नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि ओमान में क्या हुआ पिछले 24 घंटे में। तो कोरोना का कहर पूरी तरह से जारी है, पूरे विश्व में कोरोना ने तांडव मचा दिया है और ओमान में लगातार जो केस बढ़ रहे हैं जिसमें ज़्यादातर लोग ओमानी लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और इसको देखते हुए जो सुप्रीम कमेटी है, इन्होंने अपने आंतरिक मंत्रालय की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसकी अध्यक्षता इंटरनल मिनिस्टर सैयद हमूद बिन फैसल अल बसैदी ने की। और इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया सभी विषयों पर चर्चा करने के बाद कि गवर्नर में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उससे जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं, यानी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे नर्स हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जो भी मेडिकल फैसिलिटी पे बहुत ज़्यादा लोड है, उस लोड को कम करने के लिए और तैयारी को मजबूत करने के लिए लॉकडाउन का फैसला लगाया गया है, जो कि 25 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक फुल लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दिन में जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो खुलेंगे, यानी दुकानें खुलेंगी, शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी गतिविधि नहीं होगी। और इस दौरान अगर किसी को बाहर घूमते हुए पाया गया या फिर कहीं जाते आते हुए पाया गया तो गवर्नमेंट ने अपने पुलिस को ये सख्त हिदायत दी है कि आप अपनी गश्त को बढ़ाइए, अपनी जो जितने भी चेक पॉइंट है उस पर कड़ी निगरानी रखिए। और कोई व्यक्ति अगर सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए पाया जाता है, बिना मास्क के पाया जाता है, तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। आपको बता दें, मास्क नहीं लगाने पर 100 ओमानी रियाल का जुर्माना है। तो फ्रेंड्स, हालांकि इस समय 31 जुलाई को जो ईद का पहला दिन मुकर्रर किया गया है उसके बदौलत काफ़ी लोग जो मार्केट में, जाहिर सी बात है अगर त्यौहार है तो लोग जाएंगे ख़रीदारी करने, तो उसके डर से भी इसको लॉकडाउन को लगाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं होने के वजह से कोरोना लगातार अपने पैर फंसार रहा है ओमान में। और जो ईद की नमाज अदा की जाती है इसके पे भी पाबंदी लगा दी गई है। जो परिवार एक दूसरे को गिफ्ट लेते हैं, देते हैं ईद के दिन, इस पे भी रोक लगा दी गई है क्योंकि कोरोना फैलने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है फ्रेंड्स। और इसका एक ही उपाय है, लॉकडाउन। एक ही उपाय है सामाजिक दूरी, एक ही उपाय है मास्क लगाएं, एक ही उपाय है समय समय पे हाथ धोएं, एक दूसरे से दूर रहें, अपने आप को अपने घर में सीमित रखें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले फ्रेंड्स। और लॉकडाउन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को थोड़ा सा समय मिल जाए लॉकडाउन से कि वो अपनी जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको और मजबूत कर सकें और बेहतर बना सकें। क्योंकि देखिए, ये जो भी रूल्स और रेगुलेशन लगाए जाते हैं वो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कृपया इसका पालन करिए, प्लीज़ पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए, प्लीज़। जान है तो जहान है फ्रेंड्स, आप रहेंगे तो सब चीज़ है, आप नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें लाइक करके बताएं, कमेंट में अपने सुझाव बता सकते हैं फ्रेंड्स, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर एक अपडेट आपको समय पे मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।